हाय स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कराया ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले बच्चों इकोनॉमिक्स। प्रीवियस स्टैंडर्ड में बच्चों आपने इकोनॉमिक्स तो पढ़ा तो था, लेकिन बहुत ही कम पैमाने पर पढ़ा था, बहुत ही कम पढ़ा था आपने। बहुत ही पतली सी बुक थी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 चैप्टर्स थे, और वो भी बहुत छोटे छोटे थे। बट इन द केस ऑफ 11th स्टैंडर्ड ऐसा नहीं होगा, आप लोगों को पूरा एक बुक है इकोनॉमिक का, जिसे आप पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ इकोनॉमिक। चलिए, टेंशन मत लीजिए, मुच्छड़ को कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आगे आगे बढ़ेंगे हम। द नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दिखाई दे रहा है बेटा, फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं इस चैप्टर के जो नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में डिफरेंस क्या होता है? आप लोगों के दिमाग में एक माइंड में आ गया, अरे ग्रोथ और डेवलपमेंट लगभग सेम रहता है। हाँ, जब मैं भी छोटा था तो मुझे भी ऐसे ही लगता था बच्चों कि ग्रोथ और डेवलपमेंट लगभग सेम है। नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल, आज मैं 24 इयर्स का हूँ, जल्दी मैं 25 का होने वाला हूँ, फिर 26 का होऊंगा, फिर 27 का होऊंगा। मतलब ग्रोथ होता ही रहेगा। ग्रोथ इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ग्रोथ इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, वो तो होना ही है। बट इन द केस ऑफ डेवलपमेंट ये कंटिन्यूस नहीं होता, ये डिपेंड करता है मुझ पर कि मैं अपने आप में डेवलपमेंट क्या क्या ला रहा हूँ। और डेवलपमेंट होता कब है बच्चों? जब मेरा नॉलेज गेन होता है। जितना मैं अपना नॉलेज गेन करूँगा, समझ में आ रहा है क्या बोलेंगे, जितना मैं एजुकेट करूँगा, जितना मैं पढ़ूंगा, जितना बुक्स रीड करूँगा, जितने एजुकेशनल वीडियोज देखूंगा, उतना मेरे अंदर डेवलपमेंट होगा। क्लियर दैट क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? स्टार्टिंग में जब हम छोटे रहते तो पापा मम्मी हम लोग को सिखाते हैं, बड़ों को आप बोलो, सन में रिस्पेक्ट करो, घर में कोई बड़ा आ गया तो फटाक से पैर छू लो, सन में गाली मत दो, कुत्ता बोल दिए तो घर से मार के निकाल दिए जाओगे। तो मतलब ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती है बच्चों। तो ग्रोथ तो होता रहता है हमारे, हम 1 साल के थे, 2 साल के हुए, 3 साल के हुए, 4 साल के हुए, मतलब ग्रोथ हो रहा है हमारे अंदर। लेकिन डेवलपमेंट हमारे अंदर करने का काम कौन करता है? हमारे पेरेंट्स करते हैं, टीचर्स करते हैं। क्लियर? तो डेवलपमेंट होने के लिए बच्चों किसी न किसी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, और ग्रोथ इज अ कंटिन्यूस, वो तो होने ही वाला है। क्लियर दैट? और एक एग्जाम्पल बच्चों मैं आप लोगों को देना चाहूँगा फार्मर का। किसका एग्जाम्पल दे रहा बच्चों? फार्मर का। एक अच्छा फार्मर रहेगा तो अपने बोलते हैं ना फार्मिंग लैंड पे, सर मैं खेती में बहुत ही अच्छे फर्टिलाइजेशन अच्छा कर सकता है, वो खेत ज़्यादा बोलते हैं ना बीज ज़्यादा अच्छे कल्टिवेट कर सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट वही टेक्निक से वो हमेशा अगर वही चीज़ करता रहेगा, वही चीज़ से खेती करेगा, वही मतलब जो उसकी टेक्निक्स थी वो पुरानी हो जाती है। तो उसे अपने आप में डेवलपमेंट करने के लिए वो क्या यूज़ करेगा? नए नए टेक्निक्स का यूज़ करेगा। जैसे आजकल बहुत ही सारे ये खुल गए हैं, देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है साइंटिफिक एजुकेशन सिस्टम ऑन फार्मिंग। क्लियर है? तो बहुत सारी चीज़ें रहती, वो सारी चीज़ें सीखेगा, सीखने के बाद वो क्या करेगा, और हमेशा वो ट्राई करेगा कि वेस्टेज कम हो, वेस्टेज क्या हो बच्चों, कम हो, और प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है, वो डेवलपमेंट कर रहा है। क्लियर दैट? आई होप आप लोगों को ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो भी वापस से हम एक बार फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, डिफाइन और एक्सप्लेन इकोनॉमिक ग्रोथ। डिफाइन करना बच्चों और एक्सप्लेन करना इकोनॉमिक ग्रोथ एग्जैक्टली होता क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ, आगे हम मीनिंग पे, इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है बच्चों? इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितना ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स हम लोग बनाएंगे वो हमारा ग्रोथ होता जाएगा। प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कौन प्रोड्यूस करेगा? अब यहाँ पर मैं अपने देश की ही बात कर रहा हूँ तो अपने देश का ही देखूंगा मैं, जो प्रोड्यूस करता है हमारी कंट्री ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम इंटरवल के दौरान। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव डायमेंशन। ग्रोथ किस पर डिपेंड रहता है बच्चों? क्वांटिटेटिव डायमेंशन। क्वांटिटेटिव मतलब कितना किया, समझ रहे क्या बोलने की कोशिश कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बच्चे को बोला, चल भाई अभी तू आज मेरे को एक साइंस का ओरल देगा। तो मैंने बुलाया उसको, दूसरे दिन बुलाया कि हाँ बेटा कितना हुआ साइंस का? उसने बोला, सर मेरा 5 चैप्टर हो गया, 5 चैप्टर्स हो गए। मतलब क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हो आप। सामने वाले को पूछा, कितना चैप्टर हुआ? उसने बोला, सर 3 ही चैप्टर हुआ। अगर मैं अब ओरल लेना स्टार्ट कर रहा हूँ तो ओरल्स बेटर किसका आया? सेकेंड वाले का मान लो आ गया। सेकेंड वाला कौन था? जिसने 3 ही चैप्टर्स पढ़ा था बच्चों। अब वो 3 चैप्टर पढ़ने वाला बच्चा, लिसन केयरफुली, 3 चैप्टर पढ़ने वाला बच्चा एकदम मस्त से ओरल दिया, मतलब ग्रोथ तो ज़्यादा नहीं था बट डेवलपमेंट था। और फर्स्ट वाले केस में ग्रोथ था, 5 चैप्टर्स किए थे, लेकिन डेवलपमेंट कुछ नहीं था ना लाइक में। क्लियर दैट?
क्लियर है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो फर्स्ट स्टूडेंट मेरे लिए अच्छा रहेगा, और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा सेकेंड स्टूडेंट इज बेटर। क्लियर है? लेकिन अगर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमेशा कौन सा डायमेंशन देखा जाएगा बच्चों? क्वांटिटेटिव डायमेंशन। कौन सा कॉन्टेंट देखा जाएगा? क्वांटिटेटिव डायमेंशन। क्लियर? इन अदर वर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, ध्यान से देखो, इन अदर वर्ड दिखाई दे रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम। ग्रोथ के वजह से हमारे देश का जो नेशनल इनकम होता है वो भी क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है ऑफ द कंट्री। क्लियर? डेफिनेशन यहाँ तीन जन के दिया हुआ है, जेके मेहता है, प्रोफेसर मिलर है और एक साइमन है। क्लियर? हम मेहता जी का देख लेते हैं, जेके मेहता जी का। इकोनॉमिक ग्रोथ, लिसन केयरफुली, इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेट्स द क्वांटिटेटिव इंक्रीजिंग इन द नेशनल इनकम। जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है बच्चों वो इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स करना मतलब किसी को दिखाना, क्या दिखाना? इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेट द क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, देश की कमाई किस तरीके से क्या हो रही है, बढ़ रही है, इस चीज को दिखाने का काम कौन करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर? इससे दिखाई देता है कि कौन सा देश कितना अमीर। आज बोलेंगे सबसे अमीर देश कौन सा? अरे यूएस। क्यों? क्योंकि यूएस का कमाई ज्यादा है, उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। क्लियर? ऐसी दो जन के और है तो दोनों आपको नहीं पढ़ने हैं, इसमें एक डेफिनेशन आप पढ़ेंगे और एक मीनिंग पढ़ेंगे, आपको दो मार्क्स मिल जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोला क्या बच्चों? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिखाई दे रहा है? व्हाट आर द फीचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के फीचर क्या क्या है वो पूछा है। फोर मार्क्स के लिए एग्जाम में आपको आएगा, दिखाई दे रहा है? फोर मार्क्स के लिए देखिए यहां पर मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले अब लिखना है फीचर, तो फीचर में हम लोग सबसे पहले क्या बोल देंगे, छोटा सा एक मीनिंग दे देंगे जो मैंने ऊपर पढ़ा है, वापस से वही चीज लिखना है। दिखाई दे रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीजिंग इन द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? प्रोड्यूस इन अ कंट्री ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों? इट हैज अ क्वांटिटेटिव डायमेंशन। क्वांटिटेटिव डायमेंशन मतलब क्वांटिटी पे फोकस करता है। अब फीचर्स पे देखते बच्चों, और फीचर्स के बाजू में यहाँ पे मेंशन किया द फीचर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ आर एज फॉलो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को एपिक पीसी, दिखाई दिया? एपिक पीसी इज अ शॉर्टकट की, ये शॉर्टकट की दिया है कि अगर आप लोग पॉइंट्स कोई भूल जाते हैं, देखो यहाँ पर ई पे लाइन की है, पी पे लाइन की है, आई पे लाइन की है। क्लियर है? जिससे आप लोगों को आंसर पॉइंट्स अगर आप फॉर एग्जाम्पल फॉरगेट कर देते हैं तो आप लोग इसके हेल्प से आप लोग पॉइंट्स को रिमेंबर कर सकते हैं। नो सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या बोला है बच्चों यहाँ पर? नो सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जब हमारा देश इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ देखेगा, किसकी तरफ देखेगा बच्चों? इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ, कि भाई पैसे से अमीर बनना है, पैसे से अमीर बनना है, प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में इकोनॉमिक प्रॉब्लम को देखा नहीं जाता, सिर्फ देखा जाता है क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं इकोनॉमिक में वो देख लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट प्रोवाइड एनी सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय सच एज पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों पे इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल भी फोकस नहीं करता। क्लियर दैट? कि देश गरीब है, इनइक्वालिटी हो रहा है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, उसका वो लुकआउट है ही नहीं। उसका लुकआउट सिर्फ है कि हाँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, और कुछ नहीं। क्लियर? इट सोली, सोली मतलब अकेले, कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर दैट? उसका सिर्फ एक ही काम रहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है बच्चों? प्रोडक्शन करना है। क्लियर? सेकेंड, कंटिन्यूस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है बच्चों? कंटिन्यूस। मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे मैंने बताया आज मैं 24 का हूँ, फिर 25 का हूँगा, फिर 26 का, फिर 27, ऐसा होगा नहीं यार इस साल पता है मैं 27 का ही रहूँगा, क्यों? अरे इस बार ना मेरा ग्रोथ नहीं होएगा, ऐसा पॉसिबल है बच्चों? नहीं। ये कैसा प्रोसेस है बच्चों? कंटिन्यूस तो होने ही वाला है। तो यहाँ पर बोला है बच्चों, इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू द कंटिन्यूस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज By making a optimum use of available resources। क्या बोला बच्चों? ये लाइन ध्यान से देखना, By using a optimum use of available resources। दिखाई दे रहा है बच्चों? इसका मतलब क्या होता है मैं डीपली आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि ये लाइन बहुत बार आएगी और आपको परेशान कर सकती है शायद से। मुझे मेरी मम्मी ने बोला, भाई तेरे को कुछ बनाने बिना आता नहीं है, कुछ सीख बनाना। तो मैं बोला हाँ मम्मी, मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को चाय भी आता है बनाने। तो मम्मी ने बोला कि जा बेटा और चाय बना। मम्मी ने क्या बोला बच्चों? कि जा बेटा और चाय बना। अब मैं पहुंच गया किचन में, किसे क्लियर है मैं कहाँ पहुंच गया? एकदम किचन में पहुंच गया, एकदम फुल एकदम रेडी हूँ कि भाई आज तो चाय बना के मम्मी को दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। दो चम्मच, तीन चम्मच, चार चम्मच चाय पत्ती ले लिया, छः चम्मच शक्कर डाल दिया, दो ग्लास दूध डाल दिया। क्लियर है? मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, चाय बनने की फुल ट्राई कर रहा हूँ और पूरा बनाया मैंने और चार कप चाय रेडी कर दिया मैंने। क्लियर है? इतना सारा चीज़ यूज़ करके चार कप चाय सिर्फ रेडी किया मैंने। अब वही मम्मी गई, मम्मी ने चाय बनाया, सिर्फ दो
एक एक स्पून मम्मी ने क्या ले लिया, चाय पत्ती ले लिया, एक स्पून शुगर ले लिया, एंड देन एक ग्लास भी नहीं, आधा ग्लास दूध डाल दिया और थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया मम्मी ने, क्लियर है। और मम्मी ने अच्छी सी चाय बनाई और 4 ग्लास ही बनाई सेम मम्मी ने। तो मम्मी ने क्या किया बच्चों, कम से कम चीज़ों का यूज़ किया और प्रोडक्ट सेम निकाला, क्लियर दैट। क्या बोलने की कोशिश करो, मम्मी ने क्या किया बच्चों, कम से कम चीज़ों का यूज़ किया और प्रोडक्ट सेम 4 ही निकाला। तो मतलब मम्मी ने क्या किया, ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको ऑप्टिमम यूज़ किया। ऑप्टिमम मतलब जितना हो सकता है उतना ही, ज़्यादा यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में उसका यूज़ वापस से हो सकता है और मैंने उसका यूज़ प्रॉपर नहीं किया, क्लियर। तो अगर ग्रोथ अच्छा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। हाउ एवर अ टेम्पररी एंड सडन इंक्रीज इन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कभी कभी अचानक से GNP बढ़ जाता है देश का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा जो मार्केट में भी चल रहा है, गोल्ड, पता चला रहेगा गोल्ड का दाम 51,000 52,000 हो गया, मतलब ये ऑप्टिमम इंक्रीज हुआ, फटाक से इंक्रीज हो गया। एक टाइम पे 24-25 चल रहा था, 32 तक आया था, 32 से डायरेक्टली 52 आ गया, मतलब सडन इंक्रीज हुआ बच्चों। तो इसको मैं इकोनॉमिक ग्रोथ में कंसीडर नहीं करने वाला, क्लियर, क्योंकि वापस से सडन जब इंक्रीज हुआ तो सडन डिक्रीज भी हो जाएगा। ड्यूरिंग द बूम पीरियड, बूम पीरियड मीन्स दिखाई दे रहा है पर, बूम पीरियड मतलब फटाक से तेजी आना, कैन नॉट बी रिगार्ड एज इंक्रीजिंग इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसी चीज को बच्चों हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ में कंसिडर नहीं कर सकते, क्लियर। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन पर कैपिटा रियल इनकम, क्या बोल रहे हैं बच्चों, इंक्रीज इन पर कैपिटा रियल इनकम। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा पर कैपिटा इनकम होता क्या है, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझ में आएगा, मजा आएगा, ध्यान से सुनो, सिर्फ मेरी आवाज पे पूरी फोकस आपका होना चाहिए। पर कैपिटा इनकम होता क्या है, मुझे पूछा गया सर आपकी इनकम क्या है, मैं बोला 1,000 रुपीज पर मंथ। मैंने क्या बोला बच्चों, 1,000 रुपीज पर मंथ, मैं 1,000 रुपया महीने का कमा रहा हूँ बच्चों, और घर में मेरे 5 जन हैं, कितने जन हैं बच्चों, 5 जन, और एक जन का खर्चा महीने का 200 रुपये है, मुझे मिला के कंसीडर करके 5, मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मुझे मिला के कंसीडर करके, और मेरी इनकम कितनी मंथली बच्चों, 1,000 रुपीज़ है, और एक जन का एक्सपेंस कितना बच्चों, 200 रुपीज़ है, एक जन का इनकम कितना बच्चों, 200 रुपीज़। अब 200 रुपीज़ एक जन का एक्सपेंस है और 5 जन है, मतलब 1,000 रुपीज़ एक्सपेंस ही हो गया। इनकम मेरी क्या थी बच्चों, 1,000 रुपीज़। अगर लेकिन मुझे पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा पर कैपिटा रियल इनकम कितना है, मैं बोलूँगा 0। वाई? बिकॉज 1,000 कमाया और 1,000 गवा भी दिया, क्लियर, क्लियर है, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ, अब मैं 1,000 ही कमा रहा हूँ, मैं कितना कमा रहा हूँ बच्चों, 1,000 कमा रहा हूँ, मैं हूँ और मेरी वाइफ है, कौन है, मैं हूँ और मेरी वाइफ, आप लोग की भाभी। अब खर्चा कितना हो रहा है बच्चों, 200 200, 400 का ही खर्चा हुआ, था कितना मेरे पास 1,000, बचा कितना मेरे पास 600 रुपीज़। अब कोई पूछेगा आपकी इनकम कितनी है, मैं बोलूँगा 1,000। अब सामने वाला पूछेगा आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, मैं बोलूँगा कितना बोलूँगा बच्चों, 600 रुपीज़, क्लियर है। तो पर कैपिटा इनकम मीन्स क्या होता है, अभी आपको अच्छे समझ में आएगा। अब मैं रीड करता हूँ एग्जैक्टली क्या है ये, रियल नेशनल इनकम, ध्यान से देखो बच्चों, रियल नेशनल इनकम रिफर्स टू द नेशंस टोटल आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन फिजिकली और रियल टर्म रैदर देन द मोनिटरी टर्म, क्लियर। जो रियल नेशनल इनकम होता है बच्चों रिफर्स टू द नेशनल टोटल आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स, वो किस पे डिपेंड होता है बच्चों, फाइनल गुड्स पे, कि लास्ट में कितना बचा। जैसे मैंने अभी अमाउंट का आप लोग को बताया कि लास्ट में कितना बचा, 600 रुपया बचा, वैसे ही इन लोग भी क्या देखते हैं बच्चों, लास्ट में गुड्स बना कितना एंड सर्विसेज इन फिजिकली और रियल टर्म रैदर देन मोनिटरी टर्म। पैसे की टर्म को यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है, यहाँ किसके टर्म को देखा जा रहा है, गुड्स के, कि लास्ट में कितना गुड्स बचा और कितना गुड्स गया। ज़्यादा गुड्स अगर बाहर गया है, कंट्री के बाहर ज़्यादा गुड्स गया, मतलब हम लोग को ज़्यादा कमाई हुई है। कम गुड्स गया कंपनी कंट्री के बाहर, मतलब कम कमाई हुई है। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन इज लोअर, ध्यान से सुनो, पॉपुलेशन कम है, जैसे मैंने सेकंड केस में बताया मैं और मेरी वाइफ थी, देन द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन रियल इनकम, तो रियल इनकम मेरा बढ़ गया, 600 रुपया हो गया था, याद है, देन देयर इज इंक्रीजिंग इन द पर कैपिटा रियल इनकम, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ गया। दिस इज कंसीडर एज द फीचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसी को भी, इसको भी बच्चों कहाँ इंक्लूड किया जाता है, फीचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, क्लियर। फोर्थ पॉइंट, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, क्या बच्चों, फोर्थ पॉइंट क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। यहां मैंने पहले ही बताया बच्चों ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को देखें, कितना बनाया, समझ में, क्वालिटी कैसा बनाया उसको लेना देना नहीं है। क्वांटिटेटिव यहां सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ में किसको देखेंगे बच्चों, क्वांटिटी को। जैसे मैंने बताया था ना कि एक बच्चा 5 चैप्टर पढ़ा था और एक बच्चा 3 चैप्टर्स पढ़ के आया था, तो मैं किसको देखूंगा, 5 चैप्टर को, क्यों, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज्यादा थी।
तो इकोनॉमिक ग्रोथ, ध्यान से देखो बच्चों, इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीजिंग इन द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये मैं देख चुका हूं बच्चों पहले भी, याद आ रहे हैं, मीटिंग के स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है। द कॉन्सेप्ट पुल अटेंशन टूवर्ड द एक्सेप्ट ऑफ साइज और दिखाई दे रहा है साइज और क्वांटिटी और नंबर। ये सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से देखो बच्चों क्या बोला हुआ है, द कॉन्सेप्ट पुल अटेंशन टूवर्ड्स द एक्सेप्ट ऑफ साइज एस्पेक्ट। ये किसको किसको देखता है बच्चों, साइज को देखता है, क्वांटिटी को देखता है और नंबर्स को देखता है, क्लियर। थर्ड पॉइंट, इट टेक इन टू कंसिडरेशन वेरियस क्वांटिटेटिव एक्सेप्ट दिखाई दे रहा है, सच एज इंक्रीजिंग इन द रियल नेशनल दिखाई दे रहा है। इट पहले हम लोग ने क्या पढ़ लिया बच्चों, इट टेक इन टू कंसिडरेशन वेरिएशन क्वांटिटेटिव एक्सेप्ट सच एज इंक्रीज इन द नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम वेयर इट्स फेल टू कंसिडर। समझ में आ रहा है, ये किसको देखता है, देश कितना कमा रहा है, देश में कितना पैसा बच रहा है, ये सारी चीजों को देखता है। और देखता किसको नहीं है, इट फेल टू कंसिडर नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर को क्या चाहिए, इसको लेना देना नहीं है। क्वालिटी ऑफ गुड्स, गुड्स कैसा है, इसको लेना देना नहीं है। टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर को क्या चाहिए, इसको कोई लेना देना नहीं है। दस इकोनॉमिक ग्रोथ इज टर्म्ड एज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, इसका सिर्फ रहता है ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी चीजें, गुड्स क्या होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बनने चाहिए। कैसा बनेगा कोई लेना देना नहीं, जो गुड्स बना रहे उससे नेचर को हार्म हो रहा है कोई लेना देना नहीं, क्लियर। दैट ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों किस पे फोकस करने वाला है, क्वांटिटी पे, क्लियर। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं बच्चों, फिफ्थ पॉइंट क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा प्रोसेस है बच्चों, लॉन्ग टर्म, जैसे अभी मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मेरे अंदर ग्रोथ तो होता ही रहेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस, वैसे ही यहां पर इकोनॉमिक की बात चल रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, क्लियर। इट मेजर इन द टर्म ऑफ इंक्रीजिंग इन द नेशनल इनकम, क्लियर, इट मेजर इन द टर्म ऑफ इंक्रीजिंग इन द नेशनल इनकम विच टेक प्लेस ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जितना मैं बढ़ता जाऊंगा, जितना ग्रोथ होता जाएगा, जितने गुड्स ज्यादा से ज्यादा बनाते जाऊंगा, उतना देश की कमाई भी बढ़ती जाएगी। तो एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों लॉन्ग टर्म, इसका एंड जल्दी होने वाला नहीं है, क्लियर। अब आते बच्चों लैक ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज, लैक मतलब कमी, लैक मीन्स कमी, स्ट्रक्चरल चेंज, स्ट्रक्चर चेंज ज्यादा यहां पर होता नहीं है ग्रोथ का। इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट कॉज एनी स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमिक, स्ट्रक्चरल चेंज मतलब दिखने में कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं अपना ले देता हूं, मेरे अंदर ग्रोथ हो रहा है सर, मैं डज नॉट कॉज एनी स्ट्रक्चरल चेंज, स्ट्रक्चर चेंज होगा, मेरा हाथ जहां जहां मेरा नाक है वहां क्या मुंह आ जाएगा और मुंह की जगह पे नाक, नहीं नहीं हो सकता ऐसा, हो सकता है पैर के जगह पे हाथ आ जाएगा और हाथ के जगह पैर, हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट कॉज एनी स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमिक, वैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ में जो गुड्स बनता है वो गुड्स बाकायदा बनता जाएगा, उसमें स्ट्रक्चर में चेंज होने वाला नहीं है। स्ट्रक्चर चेंज रिफर्स टू द लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन द नेशन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर चेंज रहता है बच्चों रिफर्स टू द लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन द नेशन स्ट्रक्चर, ये लॉन्ग टर्म शिफ्ट है, बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, नेशन को पूरा चेंज कर देगा अगर चेंज किया गया तो। फॉर एग्जांपल एन एग्रीरियन, एग्रीरियन मतलब एग्रीकल्चर वाला बंदा, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एन इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी, सर मैं एक खेती करने वाला बंदा क्या कर लिया बच्चों, इंडस्ट्री अपनी ओपन कर लिया, मतलब अपना स्ट्रक्चर उसने चेंज कर दिया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, द इकोनॉमिक इन दिस स्टेज मेनली डिपेंड अपॉन द ग्रोथ इज अ प्राइमरी सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर, क्लियर दैट। तो मेनली डिपेंड अपॉन द ग्रोथ है, अब जो उसने ओपन किया बच्चों, इंडस्ट्री ओपन किया, इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमिक में चला गया, लेकिन वो अभी भी डिपेंड किस पे रहेगा बच्चों, एग्रीकल्चर भी किस पे डिपेंड रहेगा, एग्रीरियन पे डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, फॉर एग्जाम्पल एन एग्रीरियन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मिंग इंटू इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमिक, वो ट्रांसफर हो गया किस में बच्चों, इंडस्ट्री ओपन कर लिया, लेकिन अभी भी अगर उसको कोई गुड्स चाहिए रहेगा, कोई सामान चाहिए रहेगा, तो किसके पास जाएगा बच्चों, फार्मर के पास जाएगा, क्लियर दैट। तो ये क्या था हम लोगों का बच्चों, इकोनॉमिक ग्रोथ का फीचर, क्लियर दैट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहेगा, और कोई भी डाउट रहेगा आप लोग व्हाट्सएप पे या कहीं भी मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।